फिश कीपर, वेलकम टू इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एक्वेरियम गैलरी एंड पेट वर्ल्ड, वेलकम टू ब्लेसिंग्स एक्वेरियम। तो आज हम आपको करवाने वाले हैं एक रूम टूर, जिसमें हम आपको बताने वाले कि इस वक्त यानी कि आज है 28th of June, तो इस वक्त हमारे पास कौन सा स्टॉक है और क्या साइजेस है और वो किसके साथ कंपैटिबल होगा, वो फिश के क्या टेम्परामेंट है, ये सारा चीज़ आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको करवाती हूँ एक ऑसम सा रूम टूर, आइए। So guys, welcome to my den, which is my store, and welcome to Blessings Aquarium. तो यहाँ से चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या फिश हमारे पास है, कौन से टैंक्स हमारे पास है और हमने किस तरह से डिस्प्ले किया है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे ही आप एंटर होते हैं, यू गेट टू सी दिस एल शेप ब्यूटी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक टैंक है जिसको हमने एक सम सिस्टम दिया है, जिसके थ्रू ये पानी का क्लैरिटी हम मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। एंड दीज आर आर एक्सक्लूसिव जापनीज कोइस। इसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, तब आपको आपको अपडेट कर दूंगी। तो कोइस के साथ साथ दोस्तों हमारे पास है यहाँ पर रेड स्पॉटेड सेवरम्स एंड वी हैव आल्सो गॉट जियोफेगस, अगर वो दिख पा रहे होंगे। सो दीज आर जियोफेगस, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे दिखेगा। सो ऑल इन ऑल दिस इज अ ब्यूटिफुल एल शेप टैंक। इसका साइज मैं आपको बता दूँ तो ऐसा दिस इज ऑलमोस्ट 4.5 feet एंड ऐसा अगर आप देखेंगे तो एंड तक इट इज 6 feet। सो वी हैव ट्राइड कि ये जो हमारा कॉर्नर की जगह है इसको हम प्रॉपरली सेट कर सके, प्रॉपरली यूज कर सके। आइए फ्रेंड्स, सो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज आवर सेकेंड ब्यूटी। This is our all African grey cichlids tank. African cichlids tank, Mugunna cichlids जिसको हम बोलते हैं। So these are a combination of yellow, blue, and आप जैसे देख रहे हैं कि टैंक पूरा भरा हुआ है एंड दे आर वेरी रिएक्टिव, ये देखिए। And because they are such colorful fish, तो ये fish जो है इसको fresh water का सबसे colorful fish माना जाता है। This is a African variety. Africa में basic 3 lakes हैं, लेक मलावी, लेक विक्टोरियन एंड लेक टैंगानिकन। तो दीज वंस आर लेक मलावी सिक्लिट्स, लेक मलावी वराइटीज। नीचे अगर आप देखें तो वी हैव गॉट लेक टैंगानिकन सिक्लिट्स का कॉम्बिनेशन, दीज आर ऑल टैंगानिकन सिक्लिट्स। इसमें कलर्स ऐसे ही आते हैं, दे हैव दिस येलो बेल्ट, येलो बेली बेल्ट एंड एवरीथिंग, सो दे लुक रियली ब्यूटिफुल एंड बहुत सारे लोग हैं जो इनको रखना पसंद करते हैं। आइए चलिए आगे चलते हैं। तो जी यहाँ पर है हमारा 6 footer टैंक, एक 6 feet टैंक है जिसमें वी हैव पुट इन सम ब्यूटीफुल गोल्डफिश, और एक गोल्डफिश का साइज आप देखिए ऑलमोस्ट दिस इज 4-4.5 inches, ये देखिए। एंड गोल्डफिश के साथ आप वंडर कर रहे होंगे, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि गोल्डफिश के साथ कोई भी प्लांटेशन नहीं जाता, बट दिस इज अमेजोन वराइटी, अमेजोन सोर्ड अमेजोन वराइटी। सो ये गोल्डफिश के साथ अच्छे से जाते हैं, गोल्डफिश इनका कोई भी लीफ जो है वो चबाती नहीं है या तोड़ती नहीं है, सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। ऑल्सो अमेजोन्स कैन स्टे इन सैंड, सो वी हैव यूज्ड अ गोल्डन सैंड हियर, ये देखिए दिस इज अ गोल्डन सैंड, वेरी फाइन सैंड, तो इसमें अमेजोन्स आराम से रह जाते हैं। एंड थोड़ा सा गोल्डफिश और ये ग्रीनरी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर दिए डाले हुए हैं कुछ ब्यूटिफुल से डायनासोनिक बार्ब्स, ये देखिए दीज आर ऑल डायनासोनिक बार्ब वराइटीज। फ्रेंड्स, जब हम बात कर रहे हैं जायंट टैंक्स की, तो वी हैव अनदर 4 footer विच इज अ ब्यूटिफुल सेटअप। तो ये पूरा एक सेट है, दिस इज वन एंटायर यूनिट। इसमें अगर आप करीब से देखेंगे तो हमने एक 3D sheet लगाई है, वी हैव यूज 3D effect हियर, तो जो टैंक का लुक है उसमें 4 चांद लगा देता है। यहाँ पर वी हैव गॉट अरवानास, दीज आर ऑल सिल्वर अरवानास, बिग साइज सिल्वर अरवानास। साथ में बहुत सारे लोग पूछते हैं ना हमें, मुझे हमेशा पूछते हैं कि सिल्वर अरवानास के साथ और क्या चीज़ जाएगी, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज आर शॉवल नोज कैटफिश। ये देखिए किस तरह से स्टेबल है, पर बहुत ही ब्यूटीफुल वैरायटी है, दीज आर ऑल अग्रेसिव वैरायटीज, पर ये वैरायटी आप आराम से आपके अरवाना के साथ डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सेक्शन में वी हैव गॉट सम ब्यूटीफुल एक्वास्केपिंग, तो मैं आपको इसके थ्रू भी दिखाती हूँ कि क्या क्या है। तो इस टैंक में आप जैसे देख रहे हैं, दीज आर ऑल कलर विडोज,
करके देखिए, बहुत ही क्रिस्प ग्रीन टैंक के अगेंस्ट या प्लांटेशन के अगेंस्ट बहुत सुंदर दिखती है. ऑल्दो द कलर लुक्स आर्टिफिशियल, सम पीपल डोंट लाइक देम, बट आई पर्सनली फील दैट ये बहुत अच्छी लगती हैं. और कलर बेस्ट पार्ट इज दैट इसका कलर जो है वो फेड नहीं होता. सो यू हैव टू टेक केयर कि उस हिसाब से आप उनको फीड वगैरह डालें. तो बट दीज आर वेरी नाइस, यू कैन पुट दीज विद टेट्रास गप्पीज इस तरह से. यहाँ पे भी गॉट अ स्मॉल ब्यूटिफुल एक्वास्केपिंग, एंड इसके साथ हमने यहाँ पे डाले हुए हैं डायमंड नियॉन टेट्रास. अब आपने नियॉन टेट्रास तो देखे होंगे, बट दीज वन स्पेसिफिकली आर डायमंड नियॉन टेट्रास. जैसे आप देख रहे हैं उनके आँख के पास जो है बहुत ब्यूटिफुल चमकता है. सो देयर हेड इज हेड पार्ट शाइन्स आउट डेफिनेटली. सो दैट इज द रीजन दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डायमंड हेड नियॉन टेट्रास. द टेम्परामेंट इज नॉट वेरी अग्रेसिव, द टेम्परामेंट इज ओके. एंड थोड़ा सा ये है कि बिकॉज इट्स अ टेट्रा वैरायटी तो यू हैव टू कंबाइन इट विद अदर टेट्रास और गप्पीज. सो फिश के पास दिस इज आवर नेक्स्ट टैंक, जिसमें वी हैव डन एक्वास्केपिंग बाय यूजिंग दिस ब्यूटीफुल रूट वुड्स. साथ में दीज आर बोस्मनी रेनबोज. तो बोस्मनी रेनबोज का आप जानते हैं कि येल्लो और ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है, एंड यू कैन डेफिनेटली सी कि कितने हेल्दी ये फिश हैं. तो हमारे सारे फिश को जो है हम दिन में दो बार फीडिंग देते हैं, एक बार सुबह एक बार शाम को. सो दैट यू नो आई ऑलवेज बिलीव कि एक बार फूड डालने से अगर उन्होंने नहीं खाया तो वो फूड पड़ता सड़ेगा, एंड वो सड़ने की वजह से अमोनिया नाइट्रेट लेवल्स हाई होते हैं, विच इज़ अगेन द वाटर बिकम्स टॉक्सिक एंड आपको चेंज करना पड़ता है. सो आई बिलीव कि हमेशा फूड जो है दो टाइम दीजिए, ताकि उनको जितनी भूख है उतना ही वो खाएंगे. सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट टैंक. इस टैंक में आप जैसे कि देख रहे हैं वी हैव गॉट सम रेमी रेजीज, एंड दिस इज़ द क्लीनर क्रू जो हमने इसमें डाला हुआ है. ये जैसे आप देख रहे हैं दिस इज़ अ एलिगेटर, सियामीज एलिगेटर किस तरह से एल्गी खा रहा है. सो दीज आर वेरी गुड ऑप्शंस फॉर अ प्लांटेड टैंक, एंड इफ़ यू गॉट स्मॉल फिश वो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल जाता है विथ एन एल्गेटर. फ्रेंड दिस इज आर टॉवर टैंक. बहुत सारे लोगों के पास जगह नहीं होती कि टैंक्स आप रखें, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि वी हैव गॉट 18 inches, this is a 4 feet by 18 inches by 20 inches. So इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है एक वर्टिकल टावर टैंक को, एंड वी हैव पुट एंजल्स, बिकॉज एंजल्स और डिस्कस से अच्छा टावर टैंक के लिए या हाइट वाले टैंक्स के लिए और कुछ भी नहीं है. सो दिस इज़ द बेस्ट टैंक. अगर आपके घर में जगह नहीं है, मतलब ये नहीं है, तो आप इस तरह से वर्टिकल टैंक्स बना सकते हैं. एंड इसका फिल्ट्रेशन एंड एवरीथिंग के लिए वी हैव यूज्ड एटमैन कैनिस्टर फिल्टर, एंड क्लैरिटी आप देख रहे हैं बहुत अच्छा क्लैरिटी देता है. यहाँ पे कॉम्बिनेशन में वी हैव पुट इन रेड कैप एंजल्स, हमारे पास यहाँ पे जेट ब्लैक एंजल्स हैं, और हमारे पास यहाँ पे प्लैटिनम एंजल्स हैं. तो ये देखिए रेड कैप एंजल्स का भी यू कैन सी कलर कितना ब्यूटिफुल आया हुआ है. दीज आर रेड आई रेड कैप एंजल्स, दीज वंस आर द प्लैटिनम वंस, एंड दीज आर द जेट ब्लैक. फ्रेंड्स मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट टैंक. तो दिस इज़ अ 4 फूटर, बहुत ही अच्छा. इन सब में हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया हुआ है, एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव एट टाइम्स ओवर क्राउडेड. अपने से बहुत लोग बोलेंगे कि आपने इतना टैंक को ओवर क्राउडिंग क्यों करा हुआ है, बट दीज आर इसमें जो फिश डाले हैं दीज आर ऑल स्कूलिंग फिश, सो दे नीड टू बी पुट इन ग्रुप्स. तो यहाँ पर मैं आपको फटाफट से आइडेंटिफाई करा देती हूँ कि कौन से फिश हमने डाले. तो दीज वंस आर सर्फाई टेट्रास. ये आप जो देख रहे हैं दीज आर स्कारलेट रेनबोज या रेड रेनबोज बोलते हैं इनको. देन वी हैव गॉट सम बीच में कॉन्गो टेट्रास हैं. सो दिस इज अ कॉन्गो टेट्रा सामने. दिस इज अ हार्लिक्विन रासबोरा. दिस आर चेरी बार्ब्स. तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन हमने इसमें डाला हुआ है. कुछ छोटे कुछ मीडियम साइज के फिश और कुछ थोड़े से बड़े साइज के फिश, पर अप टिल 3 inches, नॉट मोर देन दैट. वी ऑल्सो हैव अ क्लीनर क्रू हियर. दैट्स अ सियामीज एलिगेटर, गोल्डन सियामीज एलिगेटर और अल्बिनो सियामीज एलिगेटर. तो ये हमको फिश टैंक हमारा क्लीन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. एंड नेक्स्ट इज अनादर 4 फूटर. तो इसमें देखिए वी हैव गॉट ब्यूटिफुल पीकॉक रेनबोज. काफ़ी सारे लोग इसको नियॉन रेनबो भी बोलते हैं. येस दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नियॉन रेनबोज, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पीकॉक रेनबोज, एंड दीज वन द अदर फिश इज कॉल्ड अल्बिनो कॉन्गो टेट्रा. तो ये बहुत ही रेयर वेराइटी है अल्बिनो कॉन्गो टेट्रास की. एंड ऑल्सो अगर आप देखें कि इस टैंक में हमने कुछ अलग टाइप का एक्वास्केपिंग किया, यू कैन सी वी हैव एडेड कैरेक्टर्स हियर. थोड़े थोड़े हमने यहाँ पे कैरेक्टर्स ऐड किए हैं. सो
सो वी हैव ट्राइड टू गिव अ क्लैश ऑफ टाइटन्स का लुक टू द टैंक. ये था हमारा पार्ट वन. पार्ट टू में और चीज़ें कवर करेंगे. ऑल्सो ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर, हमारा फर्स्ट फ्लोर भी है, पर इस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं फिश रूम टूर. तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का पार्ट वन है. पार्ट टू बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे. तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी फिश कीपिंग, टेक केयर एंड बाय.